हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट। इसमें हमने ओट्स और बनाना को यूज़ किया है। बहुत लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं लेकिन अनहेल्दी होता है, इसलिए अवॉइड करते हैं। तो हमने इसका एक हेल्दी वर्जन बनाया है और एकदम ठंडा ठंडा इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं, हमने इंग्रेडिएंट निकाल लिया है और थोड़े से कोकोनट कुकीज़ भी लिए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुगर को कैरामलाइज कर लेंगे। शुगर बहुत ही कम हमने यूज़ किया है, केवल 1/4 कप है, और उसको हम कैरामलाइज करेंगे। जब तक शुगर गल रही है तब तक हमने केले को काट लिया है। आप चाहें तो इसमें और भी कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है या एप्पल है। शुगर कैरेमलाइज हो चली है, इस टाइम में हम कटे हुए केले डाल देंगे और बस 2 मिनट के लिए उनको पलट पलट के केवल इतना करना है कि केले के ऊपर शुगर की कोटिंग हो जाए। केले हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम इसमें फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा दालचीनी को घस के डाल देते हैं। साथ ही शुगर बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक भी हमने डाला है। केले हटा लें पैन में से और दूध को बॉयल कर लें। दूध में जैसे ही उबाल आता है हमने ओट्स पाउडर डाल दिया है और उसको हम कैरेमलाइज जिसमें हमने शुगर की थी उसी पैन में पलट देते हैं। ओट्स पाउडर जब हम डालें तो दूध में मिक्स करके डालें, इससे लम्स नहीं पड़ेंगे। हमने डायरेक्ट डाल दिया था दूध में तो उसमें लम्स आ गए थे और हमें दूध को छानना पड़ा था। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ओट्स को पहले थोड़े से पानी में या दूध में अच्छे से मिक्स करके फिर पूरे दूध में ऐड करें। और आप देख सकते हैं दूध अब गाढ़ा हो चला है। गाढ़ा होने के बाद हमने इसमें वैनिला एसेंस डाला है। वैनिला एसेंस की जगह आप इलायची केसर का भी फ्लेवर दे सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं और अब हम असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए हमने जो केले कैरामलाइज किए थे उसको दूध में ऐड कर देते हैं और थोड़े से स्लाइस हमने केले के रख लिए हैं जिनको हम बाद में गार्निश की तरह यूज़ करेंगे। और ये 1/2 कप मिल्क जिसमें हमने कॉफ़ी ऐड किया था, ये बिस्किट को डिप करने के लिए रखे हैं। डिज़र्ट के लिए सबसे पहले हम एक नीचे बिस्किट की लेयर देते हैं और सेकंड लेयर हमने दूध की डाली है। आप चाहें तो जो कैरामलाइज किए हुए केले हैं उनको दूध में मिक्स ना करके अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे इजी पड़ता है इसलिए हमने दूध में ही मिक्स कर लिया है। और फिर से एक लेयर बिस्किट के दे दिए। बिस्किट को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव बिस्किट ले लें या मैरीगोल्ड के जो बिस्किट आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट का फ्लेवर अच्छा जाता है बनाना के साथ, इसलिए हमने कोकोनट कुकीज़ यूज़ किए और बिस्किट के ऊपर फिर से गाढ़ा किया हुआ दूध डाल दें। अगर ये डिज़र्ट को हम ओवरनाइट चिल कर लेते हैं तो ये खाने में और अच्छा लगता है। और गार्निश के लिए टूटी फ्रूटी और स्लाइस जो हमने बनाना की रोक के रखी थी वो डाल दें। और अब इसको हम ठंडा करके सर्व करेंगे। रेसिपी बहुत आसान है और बच्चों के लिए भी हेल्दी है, साथ ही बड़े जिनको मीठा खाना पसंद है उनके लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा हमने ब्राउन शुगर भी ऊपर से डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
साथ ही खाने में भी बहुत अच्छा है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।